स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे एनालॉजी के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है सुई का संबंध है सिलाई से, तो वैसे ही चाकू का संबंध किससे होगा। वीडियो को पॉज करना है प्रत्येक क्वेश्चन पर, क्वेश्चन का आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास जरूर करिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार सुई का प्रयोग कपड़ों की सिलाई के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार चाकू का प्रयोग सब्जियों को काटने के लिए किया जाता है। तो चाकू का यूज काटने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है पेन का संबंध है लिखने से, तो चाकू का संबंध किससे। पेन से लिखा जाता है, ठीक है, तो चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो चाकू का काम है काटना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है बिल्ली का संबंध है बिल्ली के बच्चे से, तो भेड़ का संबंध किससे है। देखिए, बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे बिल्ली का बच्चा ही बोला जाता है, लेकिन भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं। भाई भेड़ का बच्चा है तो उसको हिरण का बच्चा तो बोलेंगे नहीं, मेढकी का बच्चा तो बोलेंगे नहीं, लार्वा भी नहीं बोलेंगे। जो भेड़ का बच्चा होता है उसको मेमना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है मकान का संबंध है घर से, तो दोस्त का संबंध किससे होगा। देखिए, मकान और घर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। आप कह सकते हो कि समान अर्थ है दोनों का, अर्थ एक ही है, ठीक है, मकान और घर दोनों एक ही हैं। वैसे ही देखिए, दोस्त और सदोस्त, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो सिनोनिम है वो सदोस्त है। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है ओडोमीटर का संबंध है गति से, तो अमीटर का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ओडोमीटर क्या है। ओडोमीटर आपने बाइक में देखा होगा, कार में देखा होगा, उसमें जो किलोमीटर दिखाता है ना, जो उसमें ओडोमीटर लगा होता है, आपने देखा होगा बाइक में भी, जो उसमें मीटर ऊपर लगा होता है जिसमें किलोमीटर दिखाता है कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है, ठीक है। तो वही होता है ओडोमीटर, वो क्या दिखाता है, वो दूरी को दिखाता है। अच्छा, वो दूरी कैसे जो है कैलकुलेट करता है, पहियों की गति से ही कैलकुलेट करता है। पहिया की जो गति होती है उसके द्वारा जितने तेज चला जाएगा उतनी ज़्यादा दूरी तय की जाएगी, ठीक है। तो यही इसका संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ये इसका काम है। तो उसी प्रकार अमीटर से धारा अर्थात करंट को मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है हॉकी का संबंध है मैदान से, तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। देखिए, हॉकी मैदान में खेला जाता है, तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, ये कोर्ट में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है जापान का संबंध है एन से, तो कोरिया का संबंध किससे होगा। देखिए, जापान की जो मुद्रा है वो एन है, तो कोरिया की मुद्रा क्या होगी, कोरिया की मुद्रा है वन, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।